सो अभी हम ग्वालियर की गलियों में घूम रहे हैं और अभी हमें जाना है आगरा। तो आगरा यहाँ से 120 किलोमीटर है, तो बस अब ऑटो लेके चलते हैं, रेलवे स्टेशन पे चलते हैं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। तो वैसे हम आगरा पहुंच गए हैं, बस 2 किलोमीटर बाकी है और ये ट्रेन रुक गई है। तो भैया जी अभी हम उतरे हैं ग्वालियर से आगरा की ओर, तो आगरा में पहुंच चुके हैं और अभी हम जाएंगे ताजमहल की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं ताजमहल। स्टेशन पहुंचने के बाद आप सभी को आराम से ऑटो मिल जाएगा, वैसे तो आप ऑटो या बस लेकर वहां जा सकते हैं आगरा की तरफ, मगर ताजमहल की तरफ। और अभी हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने, क्योंकि हमको लगी है ये दुबई, दुबई जाने वाला था लेकिन गलत ट्रेन में बैठ गया इसलिए आगरा पहुंच गया। लेकिन अभी हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने के लिए, कचौड़ी वो पहुंच जाता फेमस है यहाँ का। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे ताजमहल की तरफ। सो अगर आप ग्वालियर से आगरा हो गए तो आपको भी रूम की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ताजमहल देखना और आगरा भी घूमना है तो रूम आपको मिल जाएगा कुछ 1000-1200-1500 में, बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर उससे कम में चाहिए तो उसमें भी मिल जाता है वैसे। तो ऐसा कुछ रूम है हमारा, तो देख सकते हो यहाँ बेड है, एक टीवी है, एसी भी है। अगर आपको एसी नहीं चाहिए होगा तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, अगर फैन बस चाहिए हो तो। ऐसा कुछ बेड है और ये हमारा बाथरूम कुछ ऐसा, तो बस इतना ही है। चलो ताजमहल चलते हैं और घूमते हैं वहाँ और आप सभी को दिखाते हैं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। हमने जो बैग वैग लाया था वो यहाँ रख दिया है और उसकी कुछ चार्ज है जो आपको देना होगा वहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे अंदर की तरफ। हमारा टिकट वैसे ऑनलाइन हो गया है जो हमको पड़ा 45 रुपीस, और अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेना तो 50 रुपये पड़ेंगे। चलो चलते हैं अंदर तरफ। तो टिकट विकेट दिखाकर हम अंदर की ओर आ चुके हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है, बस अब ताजमहल को देखने की चाह है। तो भैया जी अभी हम खड़े हैं ताजमहल के अंदर और अब आप सभी को हम दिखाने वाले हैं ताजमहल। तो इसे क्यों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, उसका कारण आप सभी जान लीजिए इस क्लिप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइस अभी हम ताजमहल पूरा तरीके से घूम चुके हैं, आपको सिनेमैटिक क्लिप भी दिखा दिया है, बस अभी अंदर जाने का प्रक्रिया है। लेकिन अंदर हम जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कब्र है। तो बस इतना ही था हमारे ताजमहल के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं कल, बाय।